हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर ब्रेन जॉब हंटिंग सीरीज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के थंबनेल से आप लोगों को पता लग गया, इस वीडियो में हम इटली के स्पेसिफिकली सुपरमार्केट की जॉब्स के हवाले से बात करेंगे। एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा मार्ट है जिसकी जॉब्स के बारे में आप लोगों को बताना है, और इन जॉब्स पे नॉन यूरोपियंस अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो कि इटली के सिटीजन नहीं है, जो कि यूरोपियन सिटीजन नहीं है, इंडियन और पाकिस्तानी है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरे चैनल पे 50% 60% आवाम पाकिस्तानी और इंडियन है, तो मैं वही वीडियोस बनाती हूँ जिनमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को थ्रू आउट द प्रोसेस अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी। सेकेंड, इनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन जो है वो बताऊंगी, इनकी एज ग्रुप जो रिक्वायर्ड है वो बताऊंगी, और साथ में इनका वीजा कैसे प्रोसेस होगा। तो सबसे पहली बात, जो लोग मुझे एज ग्रुप का पूछ रहे होते हैं, तो देखिए 18 से 45 की एज तक आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। पूरे यूरोप में आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी एज 18 से 45 के दरमियान है, ठीक है। उसके बाद जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है, इनकी स्टार्टिंग सैलरी 3-4,000 यूरो से अबव होती है, ठीक है, एज पर योर एक्सपीरियंस ये आपकी सैलरी रखते हैं, मगर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 3,000-4,000 यूरो होती है। अभी लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम सैलरी एक्सपेक्टेशन में इंडियन रुपीज में या पाकिस्तानी रुपीज में किसमें सैलरी लिखनी है, यूरो में सैलरी लिखोगे, ठीक है। अगर वो आपसे एक्सपेक्टेशन पूछ रहे हैं तो आपने लिखना है 4,000 यूरो या 5,000 यूरो, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि मैम आप हमारा वीजा लगवा दें, आप वर्क वीजा लगवा दें। देखो, जो एजेंट वीजा लगवाने की बात करते हैं वो फेक एजेंट्स होते हैं, वो आपसे पैसे ले लेते हैं। यूरोप का वर्क वीजा कोई नहीं देता, ठीक है, दिमाग से काम करो। अब तक जितने भी लोगों ने पैसे दिए होते हैं ना, उनके मेरे पास मैसेजेस आ रहे होते हैं कि मैम 20 लाख का हमारे साथ फ्रॉड हुआ है या 40 लाख का हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। आपने ये सब नहीं करना, सही लीगल वे से आपने अप्लाई करना है। इटली में मैन पावर की कमी है, जिसकी वजह से बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जो देसियों के लिए ऑफर होती है, ठीक है, क्योंकि उन्हें हमारे यहाँ की लेबर सस्ती पड़ रही है। अगर आप लोगों को अप्लाई करना हो तो आप लोगों के लिए दो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपकी इंटरनेशनल फॉर्मेट की सीवी और दूसरा आपका कवर लेटर। दोनों इंटरनेशनल फॉर्मेट के होने चाहिए, एटीएस फ्रेंडली होने चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना हुआ तो यू गाइज कैन मैसेज मी, मैं विद इन 3 वर्किंग डेज आपको बना के सीवी और कवर लेटर दे सकती हूँ। बहुत सारे लोग जो ये शिकायत कर रहे होते हैं कि मैम आपका रिप्लाई नहीं आता, तो यार अभी मैंने टीम हायर किया, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सबको रिप्लाई जाए और सबको मिलेगा रिप्लाई, यू जस्ट नीड टू वेट, ठीक है। तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड इफ यू गाइस हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। सकता है कि इन फ्यूचर कोई इंफॉर्मेटिव अच्छी वीडियो आपके लिए आपके आगे आए, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल हो। तो चले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आप लोगों को अप्लाई करना बता देती हूँ। टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है ना, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस जॉब वेबसाइट पर लैंड करेंगे। ये फिलहाल ग्लास डोर पे ओपन है, क्योंकि यहीं पे इसकी मोस्टली जॉब्स होती हैं। सबसे पहले हमने अप्लाई पे क्लिक किया, मेरा ऑलरेडी रिज्यूमे यहाँ पे अपलोडेड है, तो इसलिए मैंने बस कंटिन्यू करना है। आपको अपलोड करना पड़ेगा रिज्यूमे। नेक्स्ट पेज पे जैसे ही हम मूव करेंगे, तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड एंटर करना है, मेल फीमेल एंटर करना है। उसके बाद उन्होंने आपसे रेस पूछी हुई है, अगर आप इंडियन या पाकिस्तानी हैं तो एशियन पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। और उसके बाद आपसे वो पूछ रहे हैं कि अगर हमें आपसे कांटेक्ट करना हो तो आपको वाया टेक्स्ट या एसएमएस हम रीच आउट कर सकते हैं। आपने यस पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम ये करेंगे वो आपको एक दफ़ा देगा कि पूरी आप एप्लीकेशन आप एक दफ़ा दे दें। सेंड एप्लीकेशन पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारी जॉब अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से आपके पास ईमेल भी आ जाएगी फ़ौरन। इसकी और भी वैकेंसीज हैं, आप इन सब पे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। इसके अलावा मैं और भी इसकी वेबसाइट्स बताती रहती हूँ, जो भी इनकी रिक्रूटमेंट कंपनीज वगैरह होती हैं। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।